नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से यहां पर चल रही हैं। आपको हम बता दें कि शासन प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसमें करीब 8,000 लोगों के मौजूद रहने की खबर है। समिट के उद्घाटन में पीएम के स्वागत की तैयारियां भी यहां पर चल रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उस दिन आयोजन यहां पर किया जाएगा। हजारों लोग वहां पर मौजूद होंगे। पहाड़ की संस्कृति को भी यहां पर दिखाया जाएगा। वहीं समिट में आ रहे बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए 3 कैटेगरी में यहां पर वाहनों के इंतजाम किए गए हैं। आरटीओ ऑफिसर इसको लेकर और भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर श्रेणियों में ये बांटा गया है। उद्योगपतियों के लिए लग्जरी गाड़ियों का किस तरह से इंतजाम किया गया है, उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 575 से ज्यादा गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, जिसमें मर्सिडीज, ऑडी से लेकर बीएमडब्ल्यू कारों का इंतजाम किया गया है। वहीं 200 से ज्यादा स्विफ्ट और अर्टिगा का भी इंतजाम किया गया है। इन्वेस्टर समिट 2023 की सफल संचालन हेतु अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट कमेटी बनी है, जो हमारे परिवहन सचिव महोदय की अध्यक्षता में बनी है। इसके अंतर्गत परिवहन विभाग की ये जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी गेस्ट इस इवेंट में आ रहे हैं, उनको प्रॉपर गाड़ियां उपलब्ध हो और उनको कहीं पर भी कोई मिसकम्युनिकेशन की समस्या ना हो। देखिए, गेस्ट जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमने गेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में रखा है, कुछ प्लेटिनम गेस्ट हैं, कुछ डायमंड लेवल के, कुछ गोल्ड कैटेगरी के, तो हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गेस्ट की इम्पोर्टेंस के साथ उनको गाड़ियाँ आवंटित की जाए। तो गेस्ट के आने से पहले ही हम गाड़ियाँ आवंटित कर देंगे, उनके एलओ उन गाड़ियों के चार्ज ले लेंगे, और जब भी गेस्ट हमारे उत्तराखंड में लैंड करेंगे तो उनके पास गाड़ी और अकोमोडेशन की सारी व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर दी गई होगी। उसके अंतर्गत हमारे द्वारा इन्वेस्टर समिट के लिए अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियाँ, जो कि बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े इंडस्ट्रीज हैं, और लग्जरी गाड़ियाँ उसके साथ साथ इनोवा और लगभग 200 से अधिक डिज़ायर एंड अर्टिगा को एक कंपनी से हायर किया गया है। और हमारे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गाड़ियों को पूर्व में पूरा तरह चेक किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि अच्छी साफ़ सुथरी और बढ़िया गाड़ियाँ हमारे सारे इन्वेस्टर्स एंड गेस्ट को मिले। सर, कुल कितनी गाड़ियाँ हैं टोटल? कुल मिला के हमारी 575 से अधिक गाड़ियाँ हैं, और इसके अलावा भी अलग अलग विभागों से भी डिमांड आ रही है। इसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी के लिए भी गाड़ियाँ मांगी गई हैं, वो भी हम उपलब्ध। तो 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर यहां पर चल रही हैं। किस तरह से आयोजन यहां पर हो रहे हैं आपको हमने दिखाया है। 8 तारीख को किस तरह का माहौल यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और 8,000 से ज्यादा लोगों के यहां पर आने की उम्मीद है, और देश के करीब 50 बड़े उद्योगपति यहां पर आएंगे। तो कितने एमओयू यहां पर साइन होते हैं, कितना फायदा उत्तराखंड को इस समिट से यहां पर होता है, जो भी अपडेट आएगा आपको हम जरूर देंगे। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।